ठीक है, तो सीरियल नंबर जो डाल के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है वो तो आपको आ गया, ठीक है, सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा इधर ही से, जो फाइल रहेगा आपके पास वहीं से मिल जाएगा आप सीरियल नंबर वगैरह, ठीक है। एमएस वर्ड 2003 में जाऊंगा, ठीक है, तो इसका भी बहुत सारा फाइल है। अब इसमें मैं खोज लूंगा सेटअप फाइल, ये सेटअप है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये इंस्टॉल होने लगेगा, और नहीं होगा तो सीरियल नंबर मांगेगा, और ये सीरियल नंबर ये वाला है, ठीक। तो सीरियल नंबर डाल करके सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है वो तो जान गए आप, ठीक है। अब बिना सीरियल नंबर के कैसे इंस्टॉल होता है वो दिखा रहा हूं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बिना सीरियल नंबर डाले भी इंस्टॉल हो जाते हैं, कैसे, ये जैसे सेटअप फाइल है, इसमें मैं डबल क्लिक किया, ठीक है, एमएस वर्ड का, और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ कुछ बड़ा मैं नहीं पढ़ूंगा, अंग्रेजी मेरे को आता नहीं है उतना, ठीक है। अग्रीमेंट बोल रहा है कि एक्सेप्ट करो, मैं इसको पढ़ता नहीं हूं, आप पढ़ लिया करना, कैसे पढ़ना, पेज नॉन कुछ भी होगा, छोड़ दो, जाओ कंटिन्यू, ठीक। इंस्टॉल नाउ है और कस्टमाइज है। कस्टमाइज का मतलब है कि आप कौन कौन सा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक्सेल करेंगे या नोट करेंगे या क्या करेंगे, मैं करता हूं इसको, मैं इसको बंद कर दूंगा, मजा नहीं आया मेरे को कस्टम वाला, ठीक है। फिर से मैं डबल क्लिक करूंगा इसमें, ठीक है, तो कस्टमाइज करता तो मैं चाहूंगा तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ठीक है। और मैं कस्टमाइज ना करते हुए मैं सीधा क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल नाउ पे, ठीक है, तो अग्रीमेंट मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, और उसके बाद ये देखिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, इंस्टॉल देखिए होने लगा, ठीक। जब इंस्टॉल होने लगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये ज़्यादा रिकॉर्ड करेगा तो मेरे को मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, देख रहा कि मैं पॉज कर ले। तो इंस्टॉल होने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाता है, ऐसा ऑप्शन रहता है, आप सब देख ही लिए हैं, आप सब ज्ञानी आदमी हैं, ठीक है। मैं सिंपल क्लोज पे क्लिक कर दूंगा, ठीक, और मैं यहाँ पे आऊँगा, लिख दूंगा विन वर्ड, वही जो पहले लिखा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से भी खोल सकता हूँ, एमएस वर्ड में मैं क्लिक कर दिया, ठीक, तो ऐसा आ गया। अब ये आएगा, मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा डोंट मेक चेंज या यूजर रिकमेंडेड सेटिंग, मैं कर देता हूं भाई जो तुम चाहो वही सही है मेरे लिए, या फिर कर दूंगा डोंट मेक चेंज, ओके, ये अब गायब हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही इंस्टॉल होता है, सबको समझ में आ गया, क्लियर कट, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जाता है, आपका सेशन खत्म होता है, ठीक। एक चीज मैं नहीं बता पाया था, क्या नहीं बता पाया था, वो चीज ये है कि मैं यहाँ पे आऊंगा और पेज का कलर बदल दूंगा, ठीक है, और फिर यहाँ से आ करके इसको यहाँ प्रीव्यू, प्रीव्यू में देखूंगा तो ये बैकग्राउंड जो है प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता पाया था उस समय पे, 2007 में तो बता दिया था, लेकिन 10 में मैं नहीं बता पाया था। तो इसको कैसे करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में आया कुछ नहीं है, कहाँ करेंगे, फाइल में आएंगे, ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है, फिर आ जाएंगे डिस्प्ले में, फिर ये है ना प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, फिर प्रीव्यू में देखूंगा तो ये प्रिंट हो जाया करेगा ऐसे, ठीक। तो ये मैं नहीं बता पाया था, 2007 में बताया था, 10 में नहीं बताया था, तो इसमें बता दिया, आप लोग मेहनत किए होंगे तो खोज भी लिए होंगे। मेहनत किया था आप में से कोई, कोई नहीं किया था, नहीं किए थे ना आप लोग, लिख करके एक बात रख लो मेरा, ठीक, क्या, जीवन में जितना ज्यादा सुख सुविधा आराम मिलेगा उतना ज्यादा आपके लिए डेंजरस होगा। सुख सुविधा आराम जितना ज्यादा होता है खतरा उतना ज्यादा होता है, ठीक। जितने लोग कार से चलते हैं आपको सड़क पे दिखाई देंगे, आप सोच रहे होंगे ये आदमी बहुत सुखी है, लेकिन कार से चलने वाले इतने दुखी होते हैं कि उनको सुबह उठ के ट्रेडमिल पे भागना पड़ता है, नहीं भागेगा तो बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, अंतिम में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो खेत में काम करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको बीपी और शुगर से, ठीक है। जो फोर व्हीलर से चलता है उसको हो सकता है रात में टैबलेट लेना पड़े सोने के लिए, इससे ज्यादा दुखी व्यक्ति दुनिया में कौन हो सकता है। लेकिन जो खेत में काम करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सड़क पे ही बिना कंबल चादर बिछाए और बिना ओढ़े सो जाएगा और 8 घंटे का नींद दबा के लेगा, और इससे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं हो सकता।
तो जीवन में जितना ज्यादा सुख सुविधा आराम मिलेगा उतना ज्यादा डेंजरस है, उतना ज्यादा खतरा है। उदाहरण आपको दे रहा हूं एक और, आपने नाम सुना है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का, तीन ठो नाम बताता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक तीनों ने सुख सुविधा आराम को छोड़ करके जीवन जिया है, इसीलिए इन ये दोनों सम्राट बड़े महान सम्राट हुए थे। लेकिन बिंदुसार जो है वो राजमहल में पला बढ़ा, ठीक है। सम्राट जो बिंदुसार थे चंद्रगुप्त के बेटे, इन्होंने मेहनत नहीं किया कि साम्राज्य खड़ा कैसे करें, बंद हो गया क्या ही हो सकता है ऐसा, शायद टाइम हो गया होगा, ठीक है। तो ये राजमहल में पले बढ़े, ठीक है, इन्होंने मौर्य वंश को खड़ा नहीं किया, इसीलिए इनको मालूम नहीं था कि मेहनत क्या चीज होता है। मैं ये नहीं कहता कि बिंदुसार ने मेहनत नहीं किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के अपेक्षाकृत कम किया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के इतना महान बिंदुसार नहीं हो पाया, और अशोक जो है वो राजमहल के बाहर पला बढ़ा, उसके बाद राजभवन में आया, ठीक है। उसने सारे दुख को झेला, इसीलिए उसका समझ ज्यादा था बिंदुसार से। चंद्रगुप्त मौर्य पूरा मौर्य वंश को खड़ा किया, धनानंद को परास्त करके पूरा मौर्य वंश को पूरा खड़ा किया चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए उसका अनुभव ज्यादा था, ज्यादा महान सम्राट बना। इसलिए आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप प्रोफेशनल होंगे, जितना ज्यादा आपको सुविधाएं मिलेंगे उतना ज्यादा आपके लिए खतरनाक है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, भारत देश के पिछले 10,000 साल के इतिहास, आयुर्वेद को पढ़ा, बाकी मेडिसिन को पढ़ा, लाइफस्टाइल को पढ़ा, सबको पढ़ के ये बात मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा सुख सुविधा आराम मिलेगा उतना ज्यादा आपको खतरा होगा, ठीक। तो इसीलिए आप मेहनत से पीछे कभी मत हटना, क्योंकि जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े का चोट पत्थर भगवान नहीं होता, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, जितना मैं एमएस वर्ड में टास्क दिया था वो सारा कंप्लीट हो गया होगा? हो गया होगा, अच्छी बात है। नहीं हुआ होगा तो पूरे ईमानदारी के साथ, सत्य निष्ठा ईमानदारी के साथ आप कंप्लीट करना, ठीक। और एक टास्क आपको और दे रहा हूं मैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक एक पन्ने आप टाइप करना डेली, उसके बाद आप बाकी काम कंप्लीट करके फिर जाना, क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त है टाइप करने के लिए, ठीक। इसलिए आप सारा टास्क कंप्लीट करना, ठीक। और अंग्रेजी हिंदी भी टाइपिंग करना, हिंदी टाइप करना तो फॉन्ट का साइज 16 रख लेना, और अंग्रेजी टाइप करना तो फॉन्ट का साइज 14 रख लेना, ठीक। तो ये आपको टास्क में दे रहा हूं, आपको ये करना होगा, ठीक। मेरा मॉनिटर बार बार बंद हो जा रहा था, क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहां 2 मिनट लिखा है, मैं इसको कर दूंगा 1 घंटे, ठीक, इसको भी कर दूंगा 1 घंटे, ठीक, अब कर दूंगा सेव चेंजेस, ठीक। आपने देखा मैं ये ऑप्शन कहां से लाया? नहीं देखा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना तो पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन कहां से लाया, ठीक। तो वर्ड को खत्म हो गया, वर्ड तो कोई दिक्कत आएगा तो आप कभी पूछ लिया करना, ठीक है। मैं एक्शन शुरू करता हूं आज से, ठीक। किसी को कोई समस्या परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो मत बताइए। EXCEL एंटर कर दूंगा, एक्सेल खुल जाएगा, ठीक। जैसे एमएस वर्ड में मेनू था, वैसे ही यहां पे भी दुनिया भर के मेन्यूज मिलेंगे आपको, ठीक। अब ये जो ऑप्शन यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है, वो मेरे को भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो जो ऑप्शन एमएस वर्ड में थे वो ऑप्शन या उससे कुछ ज्यादा ऑप्शन इसमें है, ठीक है। यही है एक्सेल। इसमें होता क्या है कि क्या कहते हैं, टेबल वगैरह बनाए जाते हैं बहुत अच्छे से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, दुनिया भर का काम इसमें होता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अब, ठीक है। ये है एक्सेल, ये है एक्सेल, ये है एक्सेल, ये है एक्सेल, सेल का बना हुआ पूरा एक्सेल है, ठीक, सेल का बना हुआ एक्सेल है, ठीक। अब सेल किसे कहते हैं, ठीक, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, मिलान से, आपस में काटते हैं रो और कॉलम तो बन जाता है चौकोर डब्बा, और उस चौकोर डब्बे को एक्सेल में
सेल कहा जाता है, वर्ड में भी उसी को कहा जाता है सेल। टेबल बनाते समय आपने पढ़ा ना सेल, वही सेल यहाँ पे भी है। ठीक, सब भुला गए तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, उसमें पैसा नहीं लगता, मैं नहीं लूंगा पैसा उसका। ठीक, हाँ, अब ये जो है ये सब कॉलम है, ये ये ये, और ये जो है रो है। ठीक ठीक है, आपसे हो सकता है पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो कितने कॉलम। ठीक है, तो 2003 के अकॉर्डिंग 65,536 रो 256 कॉलम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में। ठीक, 2007 में ज्यादा होता है, 10 में ज्यादा होता है, आपको पता करना है कि कितना रहता है। तो कुछ नहीं, इक्वल टू का साइन दीजिए, एस ई एल एल लिखिए और ये लिखिए, ठीक है, और ये लिखिए, टैब दबाइए और ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए, तो ये आपको बता देगा कि कितना कॉलम है। ठीक, रो आपको काउंट करना है तो कितना कैसे काउंट करेंगे, बड़ा आसान काम है। इक्वल टू का साइन दीजिए, एस ई एल एल लिखिए, टैब मारिए, फिर इसमें रो आया, टैब मारा, इसको करके एंटर मार दिया, तो बता दिया कि टोटल इतना रो है। राइट, तो यही 2010 में इतना होता है। ठीक, तो इसमें टेबल कैसे बनेंगे, बड़ा आसान काम है जी, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आके कर दीजिए ऑल बॉर्डर। ठीक, ये बन गया टेबल, मैं यहाँ पे आ करके ऐसे कर लूँगा तो यहाँ पे ये शो होने लगेगा और ये ऐसा है। ठीक, ये देखिए आ गया प्रीव्यू में। मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा ऐसे, ठीक, नो बॉर्डर, तो टेबल ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया। अब करूँगा तो अब ये प्रीव्यू में बोल रहा है एनीथिंग, मैं प्रीव्यू नहीं दिखाऊंगा, इसका मतलब है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। और ये जो इसमें लाइनिंग लाइनिंग आप देख रहे हैं ना, ये लाइनिंग सिर्फ आपको समझने के लिए है, आप चाहें तो ये लाइनिंग को आप गायब भी कर सकते हैं। ठीक, हो जाएगा लाइनिंग गायब, बड़ा आसान है लाइनिंग गायब करना, कैसे होगा, व्यू में आकर के मैं कुछ दबा दूंगा तो गायब हो जाएगा। ये देखिए ग्रिड लाइन, ये लो, गायब हो गया ना। तो ये रेजुलेशन कम है इसलिए मेरे को इस पर क्लिक करना है, नहीं तो ऐसे ये भी दिखेगा मेनू की तरह। ठीक है, तो मैं पढ़ेंगे इन सारे मेनू को, नॉर्मल एक्सेल को आज समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या, कॉपी पेस्ट, जो कॉपी पेस्ट वर्ड में करते थे वही कॉपी पेस्ट एक्सेल में भी होगा। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन खुल गया, मैंने वहां पे क्लिक किया तो। ठीक है, यहां पे मैं आऊंगा, यहां पे मेरा कर्सर है, यहां पे इसको मैं किया ये और कुछ टाइप कर दिया। ठीक, टैब दबा के इसमें टाइप करना जब चाह तो क्या हो गया, ये नॉर्मल ऐसा टाइप होने लगा। ठीक, मैंने तो फॉन्ट बदला था ना, लेकिन इसमें तो ऐसा टाइप हो गया। तो इसमें एक्सेल में फॉन्ट बदलना है तो आप क्या को क्या करना होगा, जितने सेल में टाइप करना है आपको उतना सेल आप सिलेक्ट करेंगे और उसका फॉन्ट जो है ऐसे बदल देंगे, तब जो है आपका फॉन्ट बदला हुआ माना जाएगा। नहीं तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है ना, तो आपको सिलेक्ट करके जो है एमएस वर्ड में फॉन्ट बदल रहा है। क्लियर, चलिए जी, अब क्या देखें आगे, फॉन्ट का साइज का भी वही कहानी है, ये बोल्ड है इसका भी वही कहानी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें कुछ लिख दिया ऐसे, ऐसे मैं भर दिया, कैसे भरा बता दूंगा आपको भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया तो यही भर बोल्ड हुआ। ठीक है, तो ये सब जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसमें काम करेगा। ठीक, इसमें आके मैं इटैलिक कर दिया तो इटैलिक हो जाएगा, इसमें आके मैं अंडरलाइन करूँगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डबल अंडरलाइन पता नहीं दुनिया भर का दिया हुआ है, ये देखिए आ रहा है प्रीव्यू, ये देखिए है हुआ है फॉर्मेटिंग यहाँ पे। ठीक है, तो ये यही है, बाकी तो इसमें कुछ रखा नहीं है, ये बता रहा है कि एक पेज है खाली। ठीक है, तो जो इसमें मैं बता रहा हूँ ना 2010 में, साथ में भी कुछ वैसा ही काम होता है, साथ में बदलता है, तो ये फाइल मेनू जो है खुलने का तरीका, इसमें बटन टाइप में होता है उसमें।
इसमें बटन टाइप में नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो यही है, बाकी इसमें कुछ अलग से है नहीं, ठीक है। ये फॉन्ट का साइज है, ठीक है, फॉन्ट का साइज जो है यहाँ से आप बड़ा कर लेंगे, ऐसे इससे छोटा हो जाएगा। ये बॉर्डर है, ठीक है, ये जो है बॉर्डर है, इससे क्या होता है टेबल बनता है। टेबल वाले में थोड़ी देर में मैं आता हूँ। यहाँ से सेल में कलर भी आप कर देंगे, ऐसे हो गया ना कलर। टेक्स्ट को रेड करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो टेक्स्ट रेड हो जाएगा, ये देख लीजिए आप, ठीक है, रेड हो गया ना। तो ऐसे आप इसमें काम कर लेंगे। ये फॉन्ट वाला तो क्लियर ही हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर बचता है जो मैं नहीं बताया आपको, डिलीट मारता हूँ, ठीक है, इसको भी जो है नॉर्मल करता हूँ, नो फिल, ठीक है। इसमें ऐसे मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, अगर मैं बॉटम बॉर्डर करूँगा तो सिर्फ नीचे में बॉर्डर हो जाएगा, मतलब नीचे में सिर्फ ये टेबल बनेगा, ये देखिए, ठीक। यही चीज मैं खाली टॉप बॉर्डर करूंगा तो ये सिर्फ टॉप में बॉर्डर बनेगा, ऊपर में बॉर्डर बन गया, दिख नहीं रहा है, मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो दिख जाएगा, ठीक है, नहीं दिखा ना, पक्का नहीं बना है तब तो। एक मिनट रुकिएगा, दिखाना है तो ऐसा कर दूंगा तो पक्का दिख गया, ठीक है। अब आप प्रीव्यू देख लीजिए तो दिख गया, ये किनारे में था तो इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब फिर से मैं सेलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि राइट में बॉर्डर हो जाए तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट में करूँगा तो लेफ्ट में हो जाएगा, नो बॉर्डर कर दूंगा तो जितना बॉर्डर रहेगा वो सब खत्म हो जाएगा, मतलब जितना टेबल मैं बनाया रहूँगा वो सब खत्म हो जाएगा, हो गया ना खत्म। तो ये ऐसे ही इसमें टेबल बनता है, ठीक। अब फिर उसके बाद जो है ऑल बॉर्डर में क्लिक करूंगा तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी जितने भी मेन्यूज वगैरह है ना, ये सब आप एक्सेस कर सकते हैं ऑल्ट के साथ, मैं बताया था ना, ऑल्ट मैंने दबाया तो ये हाईलाइट हो गया। अब एच दबाऊंगा, फिर उसके बाद बी वाले में बॉर्डर है ना तो बी दबाऊंगा। अब इसमें मैं ये देखिए, इसमें बहुत सारा है, ओ पी एल आर जो भी है, ठीक है। जो नो बॉर्डर है वो किस में है, एन में है, तो एन कर दूंगा तो नो बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ गलती दब गया यार, ऑल्ट एच बी, अच्छा एन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था एन, तो नो बॉर्डर आ गया, ठीक है। सेलेक्ट किया ऑल्ट एच बी एन, हट गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ऑल्ट के साथ सारा बटन्स को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। ये है आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर अगर करना है तो ये देखिए शॉर्टकट भी दिखा रहा है आपको, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो इस टाइप का खाली बाहर बाहर में बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए लग गया, ठीक ना। इसको यहाँ पे मैं करूँगा अगर आउटसाइड बॉर्डर, तो यहाँ पे आपको देखिए प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आउटसाइड बॉर्डर है, ठीक है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये थिक बॉर्डर, इसमें क्या है, ये थोड़ा जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा मोटा होगा बॉर्डर, मतलब बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हो गया ना बोल्ड, तो ये वही है। उसके बाद है बॉटम में डबल अंडरलाइन होना चाहिए, थिक बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप और बॉटम में, ये बॉर्डर ही बता रहा है, ठीक है। ये मैं बॉर्डर में बहुत ज़्यादा देर तक बोल के मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता, ठीक है। तो ये टेबल बनाने के रिलेटेड है। फिर उसके लिखा है ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल पे मैं क्लिक करूंगा तो ऐसे करूंगा ना तो ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, ये देखिए ऐसे बन जाएगा। जैसे जैसे खींचूंगा ये देखिए बन रहा है ना, ये देखिए। तो जैसे जैसे खींचूंगा और डबल क्लिक में मार दिया कहीं भी तो वो गायब हो गया पेंसिल का निशान, ठीक है। तो यही है पेंसिल से अगर आप बॉर्डर बनाना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रॉ टेबल ग्रिड बोल रहा है, ग्रिड में ड्रॉ टेबल करना चाह रहे हैं तो ये देखिए ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्रिड में इस तरह से, ये देखिए ड्रॉ हो गया। फिर इसमें भी मैं करूंगा तो ऐसे हो जाएगा ग्रिड, ठीक है। डबल क्लिक कर दूंगा तो ग्रिड वाला जो है कर्सर जो एक्टिवेटेड था वो गायब हो जाएगा। अब इन सबको मैं चाहूँगा कि मैं हटा दूँ बॉर्डर, तो क्या करूँगा, नन कर दूंगा, नो बॉर्डर, तो ये हट जाएगा,
ठीक है। उसके बाद है इरेज बॉर्डर, ठीक है, तो ग्रिड बॉर्डर से ग्रिड किया और फिर इरेज बॉर्डर में आऊँगा और फिर ऐसे इरेज कर दूँगा, मैं डबल क्लिक करके फिर इरेज किया ना, तो हो गया इरेज, ठीक है। फिर लाइन बॉर्डर, अरे लाइन बॉर्डर पढ़ रहा हूँ, लाइन का कलर है, वो लाइन का कलर क्या होना चाहिए, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए उस कलर का बॉर्डर बन गया ना, प्रीव्यू आपको दिख रहा है। चलिए ये यही सब है, बाकी तो इसमें आगे देखेंगे जो है। ये वाला आइकन पे मैं क्लिक किया तो ये आ गया इरेज बॉर्डर, लाइन, लाइन का स्टाइल कैसा होना चाहिए देख लीजिए, दुनिया भर का स्टाइल है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसा क्या डिजाइन है, क्यों डिजाइन है ना। और फिर उसके बाद मोर बॉर्डर्स में जाऊँगा तो इतना दुनिया भर का ऑप्शन आपके पास प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक। अब मैं जैसे चाहूँ, यहाँ पे सिंगल बॉर्डर चाहूँ तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसा करके मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, ये देखिए सिलेक्टेड ये था तो यही हो गया खाली ऐसा, ठीक है। दिख रहा है कि जूम करूँ मैं, दिख रहा है ना। ओह नो, कहाँ गए भाई, इसको लाता हूँ, डक पे क्लिक करता हूँ, लेंस वाला तो काम नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा है ये, ठीक है। मैं सबको डिलीट मार दूंगा सारा, ठीक है, कर दूंगा नो बॉर्डर, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स हैं जो बता दूं मैं अभी तुरंत की लेट में, समय के अनुसार बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप किया, यहाँ पे ऊपर आया, कंट्रोल सी दबाया, फिर बॉर्डर लाइन लाइन आ गया, मतलब उतना सिलेक्टेड है, फिर वी दबाया तो पेस्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी कर सकता था पेस्ट, ठीक है, एक कॉपी है, ठीक है, फिर ऊपर से ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आया, कॉपी किया, फिर यहाँ आया, डिसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यही सब है, जैसे मान लो इसका फॉन्ट साइज जो है बड़ा मैं कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें जो फॉन्ट का साइज है उसको इसमें डालना है तो क्या करूँगा, ऐसे करके एस्पेक्ट कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत आसान चीज़ें हैं, एक्सेल मतलब बहुत आसान चीज़, ठीक है। अच्छा, आसान और कठिन का परिभाषा क्या, आपको जो चीज़ आता है वो सब आसान, जो नहीं आता है वो सब कठिन है, तो इतना पढ़ लो कि ये सब कुछ आसान हो जाए, क्यों सही है। ये क्लिपबोर्ड है, कुछ कॉपी किए रहेंगे कंट्रोल सी दबा के तो इसमें दिखाई देने लगेगा, ये देखिए दिखाई दे रहा है, अब इसमें क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाया करेगा, ठीक है, ये देखिए हो जा रहा है। इसके अंदर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे तो क्लिपबोर्ड खाली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आके मैं कितना हूँ पेस्ट पेस्ट करूँगा तो पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बॉर्डर है, लाइनिंग वगैरह समझ में आ गया, कलर आ गया, तो ये वाला सेक्शन तो मुझे उम्मीद है कि ख़त्म ही हो गया होगा, ठीक है। अब क्या है देखिए, यहाँ पे मैं आया, ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे खींचूंगा तो ये जो दो टू सेल हाईलाइटेड हुआ है ना, उन दो सेल के बीच में जितना दूरी है उतना ही दूरी सभी सेल में हो जाए, जो सभी कॉलम में हो जाएगा जो सेलेक्ट में किया था, छोड़ दूंगा तो कर दिया तो हो गया ना। सेलेक्ट आपको यहाँ पकड़ के ऐसे करना है, ठीक, और फिर जितना दूरी आप रखेंगे उतना सभी में हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही रो में भी है, जितना आप दूरी करेंगे उतना दूरी जो है हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके राइट क्लिक आप करिए और यहाँ पे रो का हाइट है, ठीक है, रो का हाइट भी यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, रो हाइट में गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं हाइट जो है ऐसे दे दूंगा तो ये देखिए 100 हो गया। फिर राइट क्लिक करूँगा, हाइट में जाऊँगा, यहाँ पे 100 आ रहा है, मेरे को पता चल गया देख के कि ये तो 100 का हाइट है तो इसको 20 कर दूंगा, ठीक है। फिर से राइट क्लिक करके रो हाइट में जाऊँगा तो पता चल जाएगा ना कि रो 20 का, रो का हाइट 20 है। फिर यहाँ पे आऊँगा, राइट क्लिक करके विड्थ कॉलम पे जाऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा 20, तो कॉलम और रो सबका हाइट जो है बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप भी कर लोगे, ठीक है।
इसके बाद आता है ये सब जो है अलाइनमेंट वगैरह का। ठीक है, तो अलाइनमेंट वगैरह में मैं क्या करता हूँ कि इन सबको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ऐसा बन गया। इसको थोड़ा सा बॉर्डर में कर देता हूँ इसको, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर दिया। ये बॉर्डर मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा और कलर में कर दूँगा ब्लैक, और इसमें कर लूँगा ये, इसमें ये 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 करके कर दूँगा, यहाँ पे हट गया, कर दूँगा ओके। ठीक है, तो नॉर्मल आ गया। इसमें भी कुछ लिख देता हूँ, इसमें भी नहीं नहीं इसमें नहीं लिखूँगा, इसमें भी नहीं लिखूँगा, इसमें लिख दूँगा। इसका फॉर्मेट मैंने बदला था इसलिए ऐसा आ गया, ऐसे 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 ऐसे। मान लीजिए टैब मारा तो आगे चला गया, तो उसको पीछे कैसे लाने का, शिफ्ट के साथ टैब दबाइए तो पीछे आ जाएगा, ठीक ना। इस पे आऊंगा, क्लिक कर दूंगा तो ये ऊपर जाएगा, इस पे आऊंगा फिर इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, सबको सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। इस पे सेलेक्ट करूंगा, इसको कर दूंगा तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। और इन सब पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये किनारे आ जाएगा, ठीक है। इन सब पे ऐसे पूरा सेलेक्ट करूंगा और इन सब पे नीचे कर दूंगा तो ये नीचे ही है, ठीक है। और फिर ये इधर है, इस पे मैं आऊँगा, इस पे मैं इसको करके ऐसे कर दूंगा तो ये बीच में आ जाएगा, फिर ये भी बीच में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसको मैं सेलेक्ट करके इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अलाइनमेंट इस तरह से आप जो है सेट कर सकते हो। ये समझ में आ गया ना, ये वाला पूरा नहीं आया, आ गया नहीं आया, तो ये अलाइनमेंट वगैरह है, बाकी ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, सारा सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाऊंगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से भी मैं बॉर्डर को हटा दूंगा ये, ठीक है। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना तक तो सबको उम्मीद है क्लियर ही हो गया होगा। ये टोटल अलाइनमेंट है, ठीक है, बॉटम टॉप पूरा। ये वाला क्या है जी, दिखा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ टाइप किया टाइप किया टाइप किया, एंटर मारा तो ये जो है तोड़ के चला गया ना आगे। मैं क्या चाहता हूँ कि ये तोड़ के ना जाए, ठीक। ये देखिए, अगर सेल में जो है कंटेंट ज्यादा हो, मतलब सेल में आपने ज्यादा लिखा है, ठीक है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि इसको तोड़ के इधर चले जाए, बल्कि आप चाहेंगे कि मेरा कॉलम का जो रो का जो हाइट है वो ज्यादा हो जाए, यही चाहेंगे ना। तो इसके लिए आप क्या करिए कि हाइट को बड़ा कर दीजिए, कैसे, ये देखिए, इसका मैं चाह रहा हूँ कि ना तोड़े तो इस टेक्स्ट रैप में क्लिक कर दूंगा, आ गया, इसको कर दूंगा मैं ऐसे तो हो जाएगा, ठीक है, इसको भी कर दूंगा रैप तो टेक्स्ट जो है तोड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं कुछ सेलेक्ट किया, इतना सबको कर दिया रैप, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ भी क्लिक लिखूंगा ऐसे ऐसे, तो एंटर ये देख लो, ठीक है, एंटर तो ये देख लो, ये देख लो, ठीक है, ये है, ये देखिए सेलेक्ट किया करूंगा मैं ऐसे, ठीक है, रो हाइट डाल दूंगा तो हाइट हो गया तो बता ही दिया, ठीक है। तो ये रैप है, ठीक है, आप यहाँ से रैप कर देंगे तो वो फिर नहीं होगा। अब ये क्या है, ये है मर्ज सेल, ठीक है। जैसे मैं क्या चाह रहा हूँ, एमएस वर्ड में आप सेल मर्ज करते थे ना, नहीं करते थे, जैसे इसको और इसको आपस में मेरे को जोड़ना है, ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, इसको मर्ज करेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक, फिर इसको तोड़ना है, स्प्लिट करना है तो इसी में क्लिक कर देंगे तो ये टूट गया, ठीक है। जैसे नेम एड्रेस
क्लास, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा, ठीक है। यहां पे क्या कर दूंगा, पिन कोड यहां पे कर दूंगा डिस्ट्रिक्ट, स्पेलिंग जरा बताना, ट्रिक्ट, सही है, ठीक है। जब सही है तो यहां पे मैं कर्सर लाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाऊंगा तो पूरा नीचे सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं दबाऊंगा, दबाऊंगा सीधा राइट एरो, ठीक है, तो क्लास तक सेलेक्ट हो गया। अब नीचे दबाऊंगा तो पूरा चला जाएगा, इसलिए मैं ऊपर ही दबा के एक ही सेल सेलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल छोड़ दूंगा, फिर शिफ्ट के साथ नीचे आ जाऊंगा ऐसे, और इसको कर दूंगा ऑल बॉर्डर, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया बॉर्डर। ये बॉर्डर का ये फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए, कर दूंगा मैं ऐसा, ठीक है। डिजाइन भी वही है, छोड़ो मैं नहीं बदल रहा हूँ अभी, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये सेल मर्ज हो चुका है, ठीक है। स्प्लिट करना हो तो तोड़ दूंगा ऐसे, फिर करना हो तो ये कर दूंगा। इसके किनारे पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ ये है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, मर्ज एंड सेंटर, ठीक, मतलब मर्ज करो और सेंटर में अलाइनमेंट कर दो, ठीक। मैं सेलेक्ट करता हूं इतना को, ठीक, फिर मैं यहां पे आऊंगा, फिर क्या करूंगा, ये देखिए आइकन जो लिखा है ना, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, बोल रहा है कंटेंट है, डेटा लॉस कर दूंगा, मैं बोला कर दे, डरता थोड़े हूं मैं, तो खाली रो को किया, ठीक है। जैसे मैं बॉर्डर ज्यादा कर देता हूं, ठीक है, ऑल बॉर्डर, ठीक है। एक कॉलम को मेरे को जोड़ना है पूरा, ठीक है, तो इसमें मैं आके मैं इसमें क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए इस तरह से मर्ज हो गया ना। अब फिर मैं क्या करूंगा, यहां से जो है इस पे क्लिक कर दिया तो पहले से मैं क्लिक करके रखा था तो मर्ज सही है, ठीक है। अब क्या कर दूंगा, स्प्लिट कर दिया तो जो है लाइनिंग आ गया लेकिन बॉर्डर नहीं है, ठीक है, तो बॉर्डर कर देंगे तो लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, ये देखिए पूरा मर्ज हो गया, ये किट हो बन गया, ठीक है। तो ये वही है मर्ज वगैरह का, स्प्लिट कर देंगे तो ये देखिए फिर से स्प्लिट हो गया, मतलब टूट गया, बॉर्डर बस हमको लाना पड़ेगा, अनमर्ज सेल तो अनमर्ज हो जाता कर देता तो, ठीक है, लेकिन ये तो पहले से अनमर्ज हो चुका है, ठीक है, तो इसको ये कर दूंगा। ये क्या है, इंडेंटेशन है जो आपने पढ़ा था उस समय पे, ठीक है, प्रीव्यू, ये देखिए प्रीव्यू आपका दिखाई दे रहा है, ये जो है इंक्रीज करेगा इंडेंटेशन है, डिक्रीज करेगा, ये है इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये क्या है जी, ये किधर से आपका लिखावट होना चाहिए, जो आप कहते हैं ना लिखावट, तो वही है ये टेक्स्ट डायरेक्शन, ये देख लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको बड़ा करूं तो ऐसे हो गया ये, ठीक है, ऐसे हो गया ऐसे, तो फॉर्मेट में मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट भी तो क्लियर ही हो गया होगा, हो गया होगा ना, आगे बता दूं कि आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे ऐसा, 1:39 हो चुका है, तो आप लोग ठीक है प्रैक्टिकल करिए, मैं भी सुबह से खाना नहीं खाया हूँ तो मैं आराम कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है, चलिए ठीक है, प्रैक्टिकल करिए, बाकी कोई दिक्कत आएगा तो बताइएगा।